the temperature of a wire of length 1 meter and area of cross section, area of cross section यानी area 1 centimeter square is increased from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. मतलब क्या है कि एक वायर है उसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया जो है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसका टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक चेंज किया, बढ़ाया. अब इफ द रॉड इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज इट्स लेंथ, अब टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ बढ़ेगी, लेकिन ये बोल रहा है प्रॉब्लम कि उसकी लेंथ जो बढ़ेगी उसको बढ़ने नहीं दिया, तो द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी, तो कितना फोर्स उसके अंदर के अंदर डेवलप होगा, क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा. और इसलिए आपको वैल्यूज दिए, ब्रैकेट में वैल्यूज मेंशन किए, अल्फा दिया है 10^-5 पर डिग्री सेल्सियस. अल्फा यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट, एक ऑलवेज ख्याल में रखो, चाहे कोएफिशिएंट फिजिक्स वाला हो, केमिस्ट्री वाला हो, बायो वाला हो, मैथ्स वाला हो, कोएफिशिएंट इज ऑलवेज क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है. तो यहाँ लीनियर एक्सपांशन क्योंकि रॉड है, रॉड की लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, तो लीनियरली बढ़ेगा ना, तो इसलिए वो जो कांस्टेंट है उसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. दैट वैल्यू इज गिवन 10^-5. इसका यूनिट क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस. और यंग्स मॉडुलस आपको दिया है उस वायर का 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. ओके, तो हमें फोर्स फाइंड करना है. तो इसमें एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ऑलवेज ख्याल में रखो, दैट फॉर्मूला इज, तो ये जो फॉर्मूला है F इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा थ्रीटा, मतलब F, F यानी वो जो फोर्स उसमें डेवलप हो रहा है क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ने नहीं दी जा रही है, Y यानी यंग्स मॉडुलस उस वायर का यानी रॉड का, A यानी एरिया, अल्फा यानी अभी बताया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, और डेल्टा थ्रीटा यानी चेंज इन टेम्परेचर. तो ये इस प्रकार से अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ तो ये रॉड है, मान लो नाम है ए बी दे देते हैं, ओके, और इसको हीटेड किया तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन उसकी लेंथ बढ़ने नहीं दी जा रही है, लेंथ बढ़ने नहीं दी जा रही, मतलब मान लो इसको यहाँ फिक्स करके रख दिया ऐसा, तो इसको हीटेड किया तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी लेकिन लेंथ तो बढ़ने नहीं दी जा रही है, तो इसके अंदर जो फोर्स डेवलप हो गया दैट फोर्स इज एफ, और इसका फार्मूला ये एफ इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा थ्रीटा. तो हमें वैल्यू क्या दी है बताओ, वाई की वैल्यू बताओ क्या दी है, 10^11, एरिया कितना दिया है, लेकिन एरिया हमें जो दिया है वो ऐसा यूनिट में नहीं दिया है, इसलिए साइड वर्क में वो हम वर्क परफॉर्म करेंगे कि भाई एरिया कितना, चलो बोलो कितना, हाँ 12 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ओके 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो 1 सेंटीमीटर यानी 10^-2 मीटर का स्क्वेयर, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये 10^-4 मीटर स्क्वेयर, तो 10^-4, और अल्फा हमें दिया है कितना है बोलो, अल्फा 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 कितना दिया है, 10^-5, और डेल्टा थ्रीटा यानी चेंज इन टेम्परेचर, तो देखो डेल्टा थ्रीटा यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस, तो 100-0 यानी 100 यानी 10^2 होता है, क्लियर क्या, तो ये क्या आएगा बताओ, बरा प्लस वाले पहले ऐड कर लो, जैसे 11+2 यानी 13 हो गए, और ये -4 -5 यानी -9, 13 -9, अरे 4 10^4 इतने न्यूटन, क्लियर क्या बोलो, यस. उसके बाद में जो नेक्स्ट हमें दिया है वो भी इसी टाइप का प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है कि भाई अभी इस प्रॉब्लम में ए रॉड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. उसी प्रकार से प्रॉब्लम बोला गया है, द रॉड इज सो प्लेस दैट इट इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज इट्स लेंथ. हाँ ये वही फिगर, उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हो की जा रही है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो उसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी, तो लेंथ इंक्रीज नहीं करने दिया तो क्या होगा, उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होगा, तो देन द फोर्स डेवलप इज प्रोपोर्शनल टू, किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, तो एरिया को प्रोपोर्शनल रहेगा ना, यही फार्मूला ना, क्या है फार्मूला बोलो फिर, फार्मूला ये एफ इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा थ्रीटा, एफ का रिलेशन ए के साथ क्या,
हाँ तो यही तो ऑप्शन दिए ए बी सी डी में, तो राइट ऑप्शन क्लियर क्या? यस ऑप्शन हाँ सी यस।